हम देश के अहम मुद्दे उठाते हैं और आज इस शो पर आप दर्शकों का मैं नाविका कुमार हार्दिक स्वागत करती हूं। कश्मीर में जो हो रहा है उसे लेकर पूरा देश गुस्से में है और वो स्वाभाविक भी है। सोचिए जरा, गोलगप्पे वाला, घर बनाने वाला और मजदूर काम करने में लगे हुए हैं, स्कूल टीचर जिनसे मिलकर कश्मीरियत का एक शब्द, एक सोच बनती है, कायर आतंकी अब इन सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। कितनों को मारा, कैसे मारा, ये अहम बात नहीं है। जरूरी ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूं। ऐसा नहीं है कि जिनकी जान गई हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ नहीं है। एक महिला होने के तौर मेरी अपनी संवेदना, मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो हर उस माँ, हर उस पत्नी, हर उस बेटी, हर उस बहन के साथ हैं जिसने अपना करीबे खोया है। ऐसे परिवारों में आज कहीं चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं आंखों से आंसू थम नहीं रहे। लेकिन यकीन मानिए, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। ये आतंकी यही चाहते हैं, चाहते हैं कि हम हताश हो जाएं, हमारे आंसू बहते हो जाएं और हम अपनी मन की दृढ़ता उसे खो दें। ये पाकिस्तान में उनके हैंडलर सब यही चाहते हैं, सब के सब यही देखकर खुश भी होते हैं। यही देखकर कश्मीर के मासूम कम उम्र के लड़कों को गुमराह भी करते हैं। ये बताते हैं कि देखो असर कैसे हो रहा है, देखो अगर हमारी नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। कैसे हो रहा है, कहां तक हो रहा है, बेगुनाह परिवारों के रोने बिलखने में वो अपने कायराना गुनाह पर पर्दा डालना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम भूलेंगे नहीं, हम झुकेंगे भी नहीं। आतंकियों की इस कायराना और घिनौनी करतूत के पीछे वजह क्या है, आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। मैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ और आइए मैं आपको बता दूँ ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। कोरोना सेकेंड वेव के बाद बेरोजगारी जो 22% पर थी आज 10.5% पे आ गई है, यानी कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। 5% की इस वक्त लोग कश्मीर की सरकार ने टारगेट बनाई है कि बेरोजगारी को 5% तक लाएंगे नीचे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूं कि 30,000 करोड़ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ 5,00,000 रोजगार देने की पहल की है एलजी मनोज सिन्हा जी ने और इसका ऐलान भी किया है। आतंकियों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये इनके एजेंडे पर नहीं है। 2014 से अभी तक कम से कम 1419 आतंकी मारे गए हैं, कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन ये अब दिखाना चाहते हैं कि बुझने से पहले लौ तेज क्यों हो रही है। लश्कर जैश की गतिविधियां कमोबेश खत्म हो चुका है, अब कोई इनके साथ जाना नहीं चाहता। पत्थर फेंकने वाली जो घटनाएं पहले बहुत हुआ करती थी कश्मीर में, अब 93% की कमी आ गई है। ये कैसे भाएगा इन आतंकियों को, कैसे भाएगा इनके आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2021 में 3,00,000 पर्यटक कश्मीर आए, बल्कि अगर पिछले 3 महीने ही अगर देखा जाए तो 12.5 लाख तक, 12.5 लाख तक पर्यटक कश्मीर जा रहे थे। ये कैसे कैसे पता चलेगा आतंकियों को कि उनका कहर कम हो रहा है, इसलिए गतिविधियाँ बढ़ाने की कोशिश, लोगों को डराने की कोशिश। लेकिन भारत डरेगा नहीं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर सेकेंड वेव से पहले पर्यटक 5 गुना बढ़ गए हैं और ये जो 5 गुना जब बढ़ते हैं तो कश्मीर की है कारोबार मिलता है और ये आतंकी नहीं चाहते। वो 100 रुपए के लिए पत्थर फेंके और
आतंकी हमले के का साथ नहीं दे रहा। कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद पर्यटक बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं 75 नए पर्यटन स्थल की पहचान कर चुकी है सरकार। वहां पर कुछ जम्मू में, 35 जम्मू में, 40 कश्मीर में, और ये सब शायद आतंकियों को नर्वस बना रहा है। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र ने 2000 करोड़ की रकम का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है और चौतरफा विकास के लिए 50,000 करोड़ केंद्र से निवेश का प्रस्ताव है, लेकिन आतंकियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज ये हालत है। अलगाववादियों ने कहा कि 370 हटा तो पाकिस्तान का झंडा उठेगा, लेकिन आज की डेट में जो लोग पाकिस्तान के बोली बोलते थे, महबूबा या अब्दुल्ला के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं आपको और भी बता दूं कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि 370 हटा दो तो कश्मीर जल उठेगा, लेकिन कश्मीर ने विनाश नहीं विकास का साथ दिया। कश्मीर लद्दाख को अलग करने का विरोध हुआ था, लेकिन लद्दाख के लोग बेहद खुश हैं अलगाववादियों का विरोध करते हैं और ये जुड़ने की एक प्रक्रिया बन रही है। लोकल बॉडी पोल में हिस्सा कोई नहीं लेगा ऐसा कहा गया था, लेकिन 8 फेज में डीडीसी के चुनाव छिटपुट हिंसा हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लोगों का डेमोक्रेसी पर यकीन है और यही इनको पसंद नहीं आ रहा। गोली चलाने वालों से भी बात करे सरकार, ऐसा पहले ब्लैकमेल किया जाता था, लेकिन गोली चलाने वालों से किसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि यूएन में और सब जगह से भारत पर दबाव बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की कोई पहल नहीं की किसी ने, और पाकिस्तान यूएन के थ्रू भी भारत पर कोई प्रेशर नहीं डाल पाया, और यही पाकिस्तान की विफलता है जो आज सक पका गई है, और सक पका गई है। टेररिस्ट आतंकियों को अंदर भेज रही है कश्मीर में, लेकिन भारत घुटने टेकना जानता नहीं, सिर झुकाना जानता नहीं। भारत अपना सर भी ऊंचा रखेगा और अपनी नजरें भी ऊंचे रखेगा, और नजर से नजर मिलाकर वो जवाब देगा हर उस आतंकी का जो इस देश के अमन चैन को कम करना चाहे या उसे झुटलाना चाहे। आज मैं यही बताना चाहती हूं कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में सब बदल गया है, लेकिन संपूर्ण बदलाव की निष्ठा जमीन पर दिख रही है, और आप यकीन मानिए इसी से आतंकवादियों में गुस्सा है। उनके हैंडलर रिशन चाहती है, वो भी 24 घंटे बिजली चाहते हैं कश्मीर में, शानदार सड़कें, हर घर में जल, हर नल में जल, वैक्सीन, अपने बच्चों के लिए स्कूल, रोजगार, यही चाहती है कश्मीर की आवाम। उसे ये खून खराबा नहीं चाहिए, लेकिन सवाल उठता है फिर ऐसा हो क्यों रहा है? जवाब है चंद मुट्ठी भर लोगों की हताशा, मुट्ठी भर लोगों की निराशा। मैं सच कह रही हूँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो आज के हिंदुस्तान को इन कायराना हरकतों से डरा सकते हैं, वो न्यू इंडिया को झुका सकते, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और यही हमारी सबकी, हम सबकी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और आज हम सबको साथ खड़ा होना है। इसलिए सवाल आज पब्लिक ये पूछ रही है कि ये आतंकी आज बौखलाए क्यों? गोली चलाने वाला है कौन? लेकिन उससे पहले आप जनता यानी पब्लिक की तरफ से जो सवाल है उसे मैं स्क्रीन पर डालना चाहती हूं। कश्मीर पर जरूरी है यूनिटी या राजनीति? क्या मिशन कश्मीर के कंप्लीट होने की बौखलाहट आतंकियों में है इस वक्त? क्या हम यही देख रहे हैं? क्या कश्मीर में फाइनल वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज सवाल यही पूछ रही है पब्लिक। और आइए मैं आज आपको मिलवाती हूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे आला मेहमान शाजिया इल्मी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सनम शाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ
कर्नल तेज टिक्कू सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से। सतीश दुआ साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कश्मीर में, कुछ लोगों का कहना है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स पर जो है ये सिक्योरिटी में जो कहीं ना कहीं कोई सेंध है उसका प्रतीक है, लेकिन मैं समझती हूं ये बुझते हुए दीहे की लो एक बार बस थोड़ी तेज हो रही है, क्योंकि वो बुझने वाला है, और वो है ये आतंकवादियों का कहर और वो है ये अलगाववादियों की सोच। आप क्या समझते? मेरी समझ से नाविका, पिछले दो सालों में काफी हद तक हमें चैनो अमन, तरक्की और एक नॉर्मेलसी की तरफ जाती हुई जिंदगी दिखाई दे रही है कश्मीर में। नॉर्मेलसी की तरफ जाती हुई, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया, लेकिन जैसे आप भी कुछ आंकड़े बता रही थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, और जैसे आपने सही कहा कि टूरिज्म खास तौर पे कश्मीर में हर आदमी को शिकारे वाला को सुमो वाला होता है, या टैक्सी ड्राइवर और छोटे रेस्टोरेंट से गाइड को, हर एक को रोजगार मिलता है। तो दूसरी तरफ वायलेंस स्ट्रीट्स पे कम हो गया था, रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगी थी। तो इस ये सब देखते हुए एक बौखलाहट सी आ गई पाकिस्तान के हैंडलर्स ने, अलगाववादियों में, सेपरेटिस्ट में और टेररिस्ट ग्रुप्स में, कि सब लोग अगर ठीक से चलने लगे और सब कुछ ठीक से चलने लगे तो एक वक्त आएगा जैसे ये इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, जिसके बारे में आप भी बात कर रही थी। तो अब तक उनका ध्यान अफगानिस्तान की तरफ, अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ ज्यादा था। अब जैसे ही अफगानिस्तान की सिचुएशन कुछ इस तरीके से बदलाव ले चुकी है जो कि पाकिस्तान उससे काफी खुश है, तो वो अब इस तरफ अपना अटेंशन इस तरफ फोकस किया उन्होंने, और गेटेड किलिंग्स यानी कि एक माइनॉरिटी किलिंग्स कर रहे हैं या नॉन लोकल्स की किलिंग कर रहे हैं, उससे एक दोहरा मैसेज है मेरी समझ से। एक ये वो कोशिश कर रहे हैं कि सबके दिलो दिमाग में कश्मीरी सब पूरी पॉपुलेशन के दिलो दिमाग में डर वापस आ जाए, जो आपकी धीरे धीरे डर उठने लगा था, सब कुछ सामान्य तौर से चलने लगा था। दूसरी तरफ माइनॉरिटीज को, नॉन लोकल्स को, सबको एक दो तरफा मैसेज, और वो मैसेज ये कि जो माइनॉरिटीज या कश्मीरी पंडित जो भी, या तो वापस आना चाहते हैं कश्मीर में और या बाहर से माइग्रेट करके कश्मीर में आना चाहते हैं, यानी कि नॉन कश्मीरीज, उन सबको डराने की एक चेष्टा है ताकि ऐसा ना हो। आपको याद होगा कि जब ये आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ था दो साल पहले, तब पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोपागांडा चलाया गया था कि ये सब कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए है। तो अब दोबारा से एक वैसा माहौल पैदा करें जिससे कि कोई भी नॉन कश्मीरी, चाहे वो बिहारी यूपी लेबर वर्कर हो या कश्मीरी पंडित या दूसरी माइनॉरिटीज हो, ना कोई वापस आने की कोशिश करे और ना कोई माइग्रेट होने की कोशिश करे। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त, क्योंकि सब कुछ थोड़ा बेहतर होता जा रहा था, ये दोबारा से, और ये एक ऐसी चाल है जबकि जो कि कम यानी कि कम इन्वेस्टमेंट पे की जा सकती है, यानी बिल्कुल एक बार फिर डर और दहशत लोगों के दिमाग में लाना है। तो सनम शाह, मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि आतंकियों से हम हार मान लें, या कांग्रेस सिर्फ अपनी ही सरकार पर उंगली उठाएगी और हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलेगी? ये आज पूछने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि राजनीति कभी भी कम नहीं होती इस देश में, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो जम्मू और कश्मीर की आवाम का मामला हो, हमेशा इस चीज पर भी, इस मौजू पर भी इतनी राजनीति होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज दौर राजनीति का है या आज दौर इस देश में भारत के लिए खड़े होने का है? थैंक यू मैम। मैंने बड़े गौर से मैंने आपको सुना, भाई साहब थे इनको सुना। मैम, आज मैं दिल खोलकर बात करूंगा
मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टूड करेंगे और ये मैसेज देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगा। मैम, जब भी कोई बात होती है हर एक नेशनल चैनल में चलता है नामालूम बंदूक बारू ने गोली चला दी। मैडम, शरण शाह की उम्र 27 और 28 साल के बीच है। मैं 27-28 साल से सुन रहा हूँ नामालूम बंदूक बारू ने गोली मार दी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मालूम का पता चलेगा? हमने इस मालूम को ढूंढना है, हमने इस मालूम को गोली मारनी है। रही बात, आपने यहाँ पे बात की है 370 और 35A की बात। मैडम, आप हमारी फीलिंग्स को समझे। शरण शाह जम्मू कश्मीर का युवा है, आज मेरे जैसे नौजवान की लाशों के ऊपर यहाँ पे इंतजार के महल बन रहे हैं। आज शरण शाह जैसे नौजवानों की लाश छातियों पे गोली मारकर यहाँ पे राजनीति हो रही है। बट मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरण शाह सच्चा पक्का हिंदुस्तानी है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की हक की बात करूंगा, वो बात करूंगा जो मेरे हिंदुस्तान के आईन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक ने मुझे इजाजत दी है। रही बात, आप पहचानते हैं ये गोलियां मार कौन रहा है? ये पाकिस्तान मार रही है गोलियां के कोई और मार रहा है? मैडम, मैं सुने मेरी बात। मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ। मेरे घर से 40-50 किलो में पाकिस्तानी बॉर्डर है। मैडम, अगर मैं इस टाइम भी छत पे जाऊं, मैं आपको बम और गोलों के धमाके से बता सकता हूं। मैडम, बॉर्डर एरिया के हमारे गरीब लोग हैं। मैडम, आज उनको छुपने के लिए बैंकर नहीं है। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूं, हमने ये बम और गोले दिवाली के लिए बना के रखे हैं, आज वो 56 इंच चीना कहां पे है? पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला नहीं हल हो रहा। हम चाहते थे बातचीत के साथ पाकिस्तान से मसला हल हो। मैडम, गोली चाहे उस पार से आए, गोली चाहे यहाँ से आए, मरने वाला हिंदुस्तानी मर रहा है। हमने ये सोचना है, मरने वाला जम्मू। तो मुझे ये बताइए सनम शाह, आपने देखा होगा 1947 से कई बार बात हुई है पाकिस्तान से, मसला क्या हल हुआ? शाजिया इल्मी आज भी ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो तो मसला हल हो जाएगा। इन्होंने तो बहुत बातें की हैं, मसला हल हुआ क्या? उल्टा पाकिस्तान राहुल गांधी के कहे हुए जो लफ्ज हैं उनको ही साक्षात बनाकर एक आर्ग्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस में पेश करते हैं। ये लोग इस वक्त समझिए आपकी पूरी तकरीर और मेरे आपने आपके 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 फिल्मी बातें मैंने बहुत सुनी जो आप छाती पीट कर सुना रहे हैं, अपने जज्बा दिखा रहे हैं और हम लोग इस जज्बे से वाकिफ हैं और बहुत ही ज्यादा दुश्वारी जो हो रही है हमारे कश्मीरी भाइयों को। नहीं, आप जो मुजाकरात की बात कर रहे हैं, जो आप मुजाकरात की बात कर रहे हैं, नेता की बात नहीं है इसमें, ये देश की बात है। और मुझे लगता है देश की बात करना नेता के, आप थोड़ी देर आराम से बात करने दीजिए। देखिए, बात करने दीजिए औरों को भी। बात नहीं करें, अरे पाकिस्तान नहीं, आप बात करने दीजिए मुझे। गांव में सबक पाकिस्तान को, चुपके क्यों बैठे हो? दिया है ना जवाब, आप देखा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी दिया है, बालाकोट के जरिए भी दिया है, जवाब दिया है। और ये बयान है गृह मंत्री का कि अगर जरूरत पड़ेगी, चुप रहिए आप, मुझे बोलने दीजिए, तमीज सिखाइए एक तो आप। नहीं, बराबर सबको बोलने का। शाह जी, सनम शाह जी, आपने जब बोला तो शाजिया जी बिल्कुल बीच में नहीं बोल रही थी। आपने पूरी पूरी शिद्दत से पाकिस्तान का झंडा उठाने की कोशिश की। मैडम, झंडा आप, ये आपको क्या झंडा लगता है? मैडम, आप अपनी मेंटालिटी चेंज करें। मैडम, आज आपके चैनलों की वजह से हम लोग आप नहीं, मुझे आपसे सवाल है सनम जी, आप बताइए। नहीं, आपसे मेरा सवाल है। आप बताइए, हुर्रियत का हुक्का पानी किसने बंद किया? NIA ने किस तरह से पूरा मनी ट्रेल कैसे निकाला आप बताइए? चाहे सलाउद्दीन के बेटे हो या फिर गिलानी जी के पोते हो, उनकी सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी किसने की? और आप बताइए, जो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट हो, किसने किया वो स्ट्राइक और किन किन पार्टियों ने उसके सबूत मांगे? और आप बताइए, कौन सी पार्टियां इस देश में इस वक्त हमारे देश के अगेंस्ट इंडियन स्टेट के खिलाफ जाकर, इंडियन आर्मी के खिलाफ जाकर
बात कर रही हैं, वही बात जो जिसे इमरान खान दोहरा रहे हैं। आप बताइए और कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं जो मुज़ाकरात की पाकिस्तान के साथ बात अभी भी कर रहे हैं, बजाय ये कहने के कि किसी भी हालात में मुज़ाकरात बातचीत नहीं हो सकती, किसी भी तरह का वार्तालाप बिल्कुल ही यूज़लेस है और इसकी कोई जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है और उसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से बर्बादी, आपको खुशी नहीं हो रही थी जब सारे से सारे होटल रूम्स पूरे ऑक्यूपेंसी पे थे? आजकल मैं बताना चाह रही हूँ, आजकल सेब का मौसम है, इतने ढेर सारे पूरे देश भर के लोग जाते हैं वहां पे, कश्मीर के कारोबारियों की भी जरूरत होती है उनकी, और उनकी भी जरूरत पूरी होती है। शिनाख्त कर करके उनको मारा जा रहा है, दहशत फैलाई जा रही है, क्यों? क्योंकि अमन बहाली हो रही थी, अमन बहाली हो रही थी, आपको अमन पसंद नहीं है और जब चाहते पाकिस्तान से बात हो। रावलपिंडी से क्या बैक टेरर मॉड्यूल जो है पूरी तरह से दहशतगर्दी कर रहा है और आप जो है पूरे फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं इस वक्त, बजाय कि आप ये कहें कि देशवासी को मारा जा रहा है, आप बजाय ये कहें, बल्कि आप जो है उस आप माचिस दे रहे हैं उस आग को और इंडियन स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं, बजाय कहने कि हम पूरी तरह से इंडियन स्टेट के साथ हैं, जो और पूरी तरह से जो भी हमारा स्टेट कहेगा हमारे लोकली भी इंटेलिजेंस द्वारा, एक्शनेबल इंटेलिजेंस द्वारा कोई हम ना तो कोई हमदर्दी देंगे ना ही कोई पनाह देंगे दहशतगर्दों को। लेकिन आप उल्टी बात कह रहे हैं, आप उल्टी बात कह रहे हैं, आप जानते हैं क्या क्या हो रहा है वहां पे, जितने देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ने 4-5 सालों में मरवा दिए हैं। कर्नल तेज टिक्कू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ 2021 के वाक्य सुने तो 26 सितंबर दो लोकल मिलिटेंट्स इंक्लूडिंग लश्कर ए तोयबा के जो मिलिटेंट कमांडर थे आबिद हकानी, उनकी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। और 23 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो टीआरएफ जो कमांडर ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है उनकी भी डेप्यूटी की एक एनकाउंटर में हत्या हुई। 21 अगस्त को जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स में वकील अहमद शाह वांटेड लिस्ट में बहुत हाई था उनका नाम, उनको भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां ढेर कर दिया। और उसके बाद सेकेंड वेव जब कोरोना की आई और उसके बाद जब टूरिज्म बढ़ा तो एक अमन चैन और एक तरह से खुशहाली वापस, वहां हम भी गए जुलाई अगस्त के महीनों में, सितंबर के महीने में मैं भी वहां गई और मैंने देखा कि दल लेक पर रौनक है, पूरे श्रीनगर में रौनक है, सब जगह वहां हैंडीक्राफ्ट्स और दुकानों में लोगों की भीड़ बनी हुई है। ये तो कभी भी आतंकी सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहीं दोबारा एक बार टारगेट ढूंढने की कोशिश की। लेकिन ये कुछ राजनीतिक दल ये बात समझ क्यों नहीं पाते कि उनका एजेंडा क्या है और ये उनके हाथों में क्यों खेलते? देखिए ये जो सनम शाह साहब की ये जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण, ये इतनी यंग हैं कि पिछले 32 साल से चल रही है कश्मीर में, उसका उतार चढ़ाव और पॉलिटिकल स्टेट इतना जबरदस्त था, इसका मिलिट्री एंगल से जो सिक्योरिटी कश्मीर में उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये पॉलिटिक्स था और रियलिज्म बिल्कुल था। हमें ये ना है कि आर्टिकल टिक्कू साहब, शायद आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी पूरी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, लेकिन वकार भट्टी साहब, मैं दोबारा ऑडियो चेक करके आपके पास दोबारा आती हूँ। वकार भट्टी साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, जब आतंकवादियों पर हमला होता है तो इस देश में लोगों को इकट्ठे खड़े होना चाहिए या अलग अलग आवाजों में बात करनी चाहिए, जिसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को या आतंकियों को होता है? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? फायदा पाकिस्तान को हो या फायदा नई दिल्ली को हो, नुकसान हमेशा से कश्मीर का ही होता है और वो आज से नहीं 70 साल से हो रहा है। मैडम जी, यहाँ कोई ऐसा दूसरा दिन नहीं, हर एक दो दिन के बाद हमें ये सुनना पड़ता है, आज यहाँ टारगेट किलिंग हो गई, आज यूपी बिहार वालों की हो गई, आज कश्मीरी पंडितों की हो गई, आज कश्मीरी मुसलमानों की हो गई, हर दिन हम ये चीज़ें सुन रहे हैं। पर मैं इस टाइम भी ऑन टाइम मैं कश्मीर वैली से बात कर रहा हूँ और जब आज बिहार उत्तर प्रदेश के लोग
कश्मीर छोड़ के जा रहे थे तो मैं और मेरी टीम वहां उनसे जाके मिली और हमने उनको समझाया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, ये कश्मीर आपका भी, आप बैठिए यहाँ, हम लड़ेंगे। लेकिन मैडम जी, आपका मैं देख रहा था और आपको देख भी रहा हूँ, आपके चैनल को वॉच भी कर रहा हूँ, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? जब 2019 5 अगस्त को होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि आज कश्मीर असल में आजाद हुआ है, आज हमने जम्मू कश्मीर को आजाद करवाया अलगाववाद से, पाकिस्तान से। तो अगर आजाद करवा दिया था जम्मू कश्मीर को अलगाववाद से, पाकिस्तान से आजाद करवा लिया था, तो फिर आज इस तरीके के हालात दोबारा क्यों बन रहे हैं? आप कह रहे हो मुट्ठी भर लोग, आपने बार बार ये शब्द यूज किया मुट्ठी भर। तो आप मैम, मेरी पोल खुल गई, मेरी उम्र बदला ले रहे हैं ना, मेरी उम्र आप बदला ले रहे हैं ना। शाहजी मैं बोलता नहीं किसी, मेरा असूल है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। सुनिए 34 साल मेरी एज हो गई है मैडम जी, और 30 साल से मैं एक चीज सुन रहा हूँ जब से होश संभाला है, कि मुट्ठी भर लोग हैं ये अब खत्म हो जाएंगे, मुट्ठी भर लोग हैं ये आज खत्म हो जाएंगे। कब तक ये मुट्ठी भर लोग खत्म होंगे? ये मुट्ठी भर लोग खत्म नहीं हो रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, का मुट्ठी भर लोग नहीं है, पीढ़ी खत्म हो रही है, कश्मीर की माओं बहनों में पाकिस्तान का वजूद है, बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारा नुकसान, अगर कोई यूपी बिहार का वजूद है इस पर आधारित, मेरा हमारे कश्मीर का नुकसान है, रावलपिंडी का, तेरे मॉड्यूल है, का नुकसान है। मुझे बताइए दिल्ली का और पाकिस्तान का क्या नाश हो रहा है? ये बताइए, अब नहीं नहीं आप गलत गलत बयानी ना कीजिए। नौजवान आर्मी के मारे गए हैं 8 दिन में एनकाउंटर में, बिल्कुल मुझे बताइए क्या जवाब आपने दिया? पहली बार अच्छे हालात हुए हैं कश्मीर में। जहाँ तक शाजी आलमी जी बात सुनिए, आप अभी कुछ देर पहले ना, अरे आप कम से कम ये तो बोलिए, आप कम से कम ये तो बोलिए कि आर्टिकल 370 द्वारा जो सुनिए, आपसे सच नहीं बोला जाएगा, आपसे सच नहीं बोला जाएगा। आप दिल से फील करें ना, आप कश्मीर को आप आज के टाइम ना जहन्नम बना चुके हो, आप कश्मीर को आर्टिकल 370 के खिलाफ, कश्मीर में हटाने के खिलाफ जो डर रहा है, हर बिजनेसमैन डर रहा है, हर पॉलिटिशियन डर रहा है, हर जर्नलिस्ट डर रहा है, आप क्या करते हो? दो लोग मारे जाते हैं, आप डरा रहे हैं, 700,000 कश्मीरी है, 79 कश्मीरियों को जेल में डालते हो, आप डरा रहे हैं, आप भी डरा रहे हैं, परी कर देता है, आप भट्टी साहब आप जो आज कह रहे हैं वो आप ये सोचिए कि आतंकियों को कितना अच्छा लग रहा होगा ये सुनकर कि आपको अपने अपनी ही हुकूमत से सवाल हैं, आपको यही लग रहा है ना कि अपनी हुकूमत से सवाल पूछने चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब टूरिज्म बढ़ रहा था तो आपने आगे बढ़कर क्या कहा कि यही कश्मीर में होना चाहिए, तब आपकी आवाज कहाँ चली गई थी भट्टी साहब? लेकिन आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, पब्लिक के सवाल पहले सुन लीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। पब्लिक जो है ये सब जानती है, पहले पब्लिक के सवाल सुन लीजिए, सबके पास आती हूँ लौटकर, पहले पब्लिक के सवाल। जिस तरह से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पांव पसार रहा है, ऐसे में मेरा सवाल है कि कश्मीर में फाइनल वार कब होगा? नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि इस समय में कश्मीर को हम सबकी एकता की जरूरत है या राजनीति की? इस बात का उत्तर आपसे अपेक्षा करता हूँ। कर्नल टिक्कू, सवाल ये है कि कब होगी फाइनल वॉर और क्या हमें एकता की जरूरत है या राजनीति? और सनम शाह से इस बात की उम्मीद रखना कि ये इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो नेशनलिस्ट लगे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी खुराक पिछले 70 साल से यही रही है कि हिंदुस्तान को गाली निकालो, सुरक्षा दलों को गाली निकालो और आगे बढ़ो, यही इनका काम है और यही इन्होंने हमेशा किया है। अब वेदर कांग्रेस है या पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का बदनाम करने की साजिश हो रही है। अरे भैया, तुम बदनाम हो रहे हो, जिस आदमी ने कश्मीर में 40 साल से हुकूमत करी, आप बदनाम काम दिखाई दे रहा है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि यह टोटल पॉलिटिक्स है, मैं सुरक्षा आ जाता हूँ। आर्टिकल 375A हटने के बाद नाम शाहजी, जब एक फौजी बोल रहा होता है ना तो कम से कम एक भारतीय की पहचान ये होती है कि वो फौजी की बात सुनता है, कम से कम उसके ऊपर नहीं बोलता, उसके ऊपर नहीं बोलता।
कम से कम आप इतनी तहजीब तो दिखा लीजिए। मैडम हमें तहजीब पता है, मुझे पता है यहाँ पे। तो मैं ये कहना, अरे इनको म्यूट कर दीजिए अगर हमने बोलना है तो। अपनी प्रमोशन करने के लिए तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 5th अगस्त 1919 से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुहिम चलाई, और उस मुहिम में क्या उनका फोकस था कि कश्मीर के अंदर जो है डेमोग्राफी बदली हो रही है, कश्मीर के हकूक छीने गए हैं, कश्मीर में बहुत तबाही हो रही है, लोकल लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में किसी ने यह थ्योरी मानी नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, नोबडी बॉट दिस थ्योरी। कुछ मुल्क थे पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की और चाइना जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पूरे विश्व में पाकिस्तान इस मुद्दे पर आइसोलेट हो गया। उसके बाद अभी तक क्या हुआ कश्मीर में, कोई तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं होगा, वहां पर खून की नदियां बहेगी, जब तक ये संसार रहेगा आर्टिकल 370 नहीं हट सकता। तो ये सब खत्म हो गया, ये फेल हो गया, ये थ्योरी फेल हो गया। थ्योरी फेल होने के बाद आतंकवाद पर पिछले 2 साल से इतना जबरदस्त आदमी ने पीछा डाला है कि तकरीबन 12 के 12 जो टॉप टेररिस्ट है उनको खत्म कर दिया। पाकिस्तान के जितने संगठन है वो नाकारा हो गया, दे हैव बिकम इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव होने के बाद पाकिस्तान के पास एक ही चीज था कि छोटे मोटे को एक और बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास सोल्यूशन है तो 32 सालों से दे क्यों नहीं रहे, तो दे क्यों नहीं रहे बताइए, क्या सोल्यूशन है आपके पास? तीन सोल्यूशन है, आप बोलिएगा ना बीच। तीन सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ये आसपास कश्मीरी आवाम जो मुझे भी सुनती है, ठीक है, जो कश्मीरी यूथ चाहता है। पहला मसले कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से बात करें, क्यों वो ऐसा करवा रहा है, क्यों कर रहा है, बात तो कब से हो रही है, बात करें, सुनिए ना, सुनिए ना, जब वार करें, पहले टिक्का साहब तीन सुन लीजिए, जब वार करना चाहते हैं आप पाकिस्तान से, जब रोज हमारे जवान और हमारे आम आदमी वहां मर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, आप दर्शा रहे हैं दुनिया को, आप दर्शा रहे हैं देश को कि आपके आका हैं कौन, आपकी 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 जो दिल की धड़कन है वो पाकिस्तान की चाबी से चलती है क्या? मैम 10 सेकंड, मैं दूसरा सोल्यूशन सुन लीजिए। एक, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप का खेला जा रहा है T20 का, इसको बैन करवा दीजिए, मसले कश्मीर का हल हो जाएगा। अरे एक तरफ बात कर लीजिए, दूसरी तरफ क्रिकेट मैच बैन करवा दीजिए। शाजिया इल्मी मखौल बना के रखा है भट्टी साहब ने, मखौल बना के रखा है भट्टी साहब ने। शाजिया इल्मी, पहले तो आप भट्टी, आपको आपको ये देख लीजिए किस तरह से हंस रहे हैं, किस तरह से भट्टी साहब हंस रहे हैं। मैं चाहती हूँ आज एक बड़ी तस्वीर दिखाएं इस देश को, भट्टी साहब जैसे लोगों की, जिनको देश की सुरक्षा और लोगों के मरने पर हंसी आ रही है। मैं चाहती हूँ शरीफ साहब, अगर आप एक तस्वीर बड़ी सी ली, बड़े से बॉक्स में, बड़े से विंडो में दिखाएं भट्टी साहब को कि कितनी हंसी आ रही है इनको, कितनी हंसी आ रही है इनको। और हंसी इसलिए आ रही है, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हिंदुस्तानी मर रहा है, इसलिए आप हंस रहे हैं, इसलिए आप हंस रहे हैं, आप इसलिए हंस रहे हैं कि हिंदुस्तानी मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर मर रहे हैं, इसलिए हंसी आ रही है आपको। और आप चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें, आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें। भट्टी साहब, आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, और लोगों की वहां जो हत्या करी है आतंकियों ने उस पर आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है इस बात पर। भट्टी साहब आपको भारतीय कहते हुए
मेरी रूह कांपती है। मैं कश्मीरी हूँ, मैंने कभी नहीं बोला मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, आपको नहीं पसंद तो पासपोर्ट जरूर होगा आपके पास, या चाहे तो आपको सनम शाह बॉर्डर पर ले जाएंगे, उनके घर से 20-30 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहाँ छोड़ आएंगे आपको पाकिस्तान में। आप निकल लीजिए वहाँ, आपको आप भारतीय कहनाने से आपको अगर शर्म आती है तो आप पाकिस्तान निकल जाए। शाजिया इल्मी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भट्टी साहब एक तरफ है, भट्टी साहब जैसे लोग और दूसरी तरफ है, किस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे दर्शक है, भीबू है सिलचर से पूछ रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं अब तक खुलकर पीओके की बात करें, उसे मिलाने की बात करें, क्या अब समय नहीं आ गया कि पीओके पर फाइनल कॉल लिया जाए? छोड़े, पहले हम पीओके लेते हैं, मैं नाविका में पीओके लेते हैं, चलते हैं, हम चलते हैं। भट्टी साहब आप पाकिस्तान निकल जाइए, आप आपका गुजर बसर वही है। मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैं भट्टी साहब का। शाजिया जी नहीं, बिल्कुल देखिए कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं हम इन लोगों को, आप सोचिए इस एक बात को, आप हम लोग सीरियल कातिलों से पूछेंगे कि आप कत्ल क्यों कर रहे हैं, और इनकी हिम्मत देखिए, और सनम शाह को देखिए, बड़े मासूम बन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात करें पाकिस्तान से, और आप देखिए ये सोच ही कातिल है, ये जो कातिलाना इनकी सोच है, अलगाववादी सोच कि हम तो कश्मीरी हैं, हमारा भारत से लेना देना नहीं है। सोचिए भारत सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है इन सबके लिए, और इनकी जो पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा है कश्मीर पर, और ये देखिए क्या नफरत फैलाते हैं, क्या दहशत और नफरत फैलाने का काम है इनका, लोकल पॉपुलेशन में ये नफरत फैलाते हैं और ये दहशत गर्दों का साथ देते हैं, और फिर कहते हैं कातिलों से बात की जाए कि हमारा कत्ल क्यों कर रहे हो, कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, आप कश्मीरी घोड़े की बात करते हैं, ये कश्मीरियों को बर्बाद कर रहे हैं, कश्मीरी यूथ के कातिल है ये, पाकिस्तान का जो जो साथ दे रहा है वो तो अपने भाई बहनों को कातिलों को साथ दे रहा है, तो सोचिए हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए आप, कश्मीर का गला घोटने वाले को साथ जो दे रहा है वो ये लोग हैं, वो बन गई है महबूबा, और हम जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या, और मैं दुआ साहब मैं बहुत सीरियस नोट पे आपसे पूछना चाहती हूँ, इनके लिए ये मजाक है, भट्टी साहब के लिए मजाक है, एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, दूसरी तरफ कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसे रद्द करवा दो, इनके लिए मजाक है ये, क्या ये मजाक है इनके लिए? देखिए मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, ये तो विरोधाभास है आपस में ही, एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनसे बात कीजिए, दूसरी तरफ कह इनसे मैच कराना चाहते हैं, जो और हमारे सोल्जर्स और हमारे सिविलियंस की किलिंग हो रही है। मैं पब्लिक के वो दो सवाल थे, मैं उनको लेना चाहूंगा, एक सवाल उन्होंने पूछा कि इसमें क्या ऑल आउट वॉर होनी चाहिए या क्या इसमें एक्शन लेना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ होनी चाहिए सर, होनी चाहिए, नहीं आप मुझे अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए ऐसे है कि जो हालात बिगड़े हैं पिछले 30-40 सालों में वो ओवरनाइट ठीक नहीं होंगे, अगर कुछ पहल हुई है और कुछ शुरुआत हुई है 2 साल पहले तो उसको वक्त लगेगा, 1 या 2 पीढ़ी भी लग सकती है, और लेकिन हमें हमेशा बेहतरी देखने को मिलेगी। और दूसरा सवाल कि ऐसे वक्त पर क्या सबको आपस में वो करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए या सबको इकट्ठे होना चाहिए? मेरी समझ से ये मामला तो तभी सुलझेगा जब हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल सोसाइटी हो, अगर हमें दुश्मन को हराना है तो हमें सबको एक साथ चल के करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसे ही तकरार करते रहेंगे तो फिर हम टीवी की बहस करते रहेंगे और कश्मीर के बहुत सही कहा आपने दुआ साहब, लेकिन आज पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही है, और दो सवाल है भट्टी जी, बीजेपी के एजेंट पूछ रहे हैं आपसे मैडम, भट्टी जी मैं आपसे और सनम शाह जी आपके पास भी आ रही हूँ, दो सवाल है, प्रकाश कुलकर्णी नागपुर से पूछ रहे हैं, नाविका जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो आतंकियों को ये कहे कि आम इंसान को मारकर क्या फायदा होगा। भट्टी साहब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी पाकिस्तान में किसी से आपने कहा कि आम भोले मासूम इंसानों को मारकर वो क्या दिखाना चाहते, कभी किसी से कहा?
और दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, दूसरा सवाल भी आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, अनिल धवन दिल्ली से पूछ रहे हैं। इन कश्मीरी एक्टिविस्ट साहब से ये पूछिए कि इन्होंने कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी बनने से कभी रोकने की कोशिश की, कभी इसके लिए सेना या सरकार की मदद की, अगर की तो कब की, बताइए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम भी आपसे एक सवाल पूछ रही है। नहीं नहीं, सवाल दर्शक, आप बैठे हैं टीवी पे, आज दर्शक ने पूछा है क्या आपने किसी को आतंकवाद के रास्ते पे जाने से रोका, कभी आर्मी की या कभी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की, कभी भी की? जी बता रहा हूँ, हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हजारों कश्मीरियों को जेल में डालते हैं, पर की नहीं कभी। कितने साल के हो गए आप इंतजार कर रहे हैं अमन चैन का, 32 साल आपने कहा ना, 32 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक बार भी मदद के लिए हाथ नहीं उठा उनका, एक बार भी आपका मदद के लिए हाथ नहीं उठा, किसी युवा को नहीं रोका कि आतंकवाद की तरफ मत जाओ, कभी आर्मी की हेल्प नहीं की, कभी नहीं की, कभी की? हमने हेल्प की, हमारी जमीनों पे बैठे हैं, हमने अपनी मलकियत जमीनें छोड़ी हुई आर्मी वालों के लिए, लोगों को रोका आतंकवाद की जमीन है, कश्मीर में जो कश्मीर के जो युवा लोग हैं, क्या करें, मदद देश की जमीन है, आप कहां से मालिक बन के बैठ गए देश की जमीन के, आप कहां से मालिक बन के बैठे? मेरी जमीन है जम्मू कश्मीर की जी, ये मेरी जमीन है। नहीं, मेरी भी है, बाप दादा की जमीन है, 35 से है, मैं भी ले सकती हूँ। आपने कभी सवाल पूछा कि मुझे मेरे घर में एक बंगाल का फौजी आके मुझे आईडी क्यों प्रूफ मांगता है? क्यों, बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है? बंगाल आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई कश्मीर आएगा तो आप सवाल पूछेंगे, एक बार मदद नहीं की? शाजिया इल्मी जी, मैं यही आपको बताना चाहती थी, और आज दर्शकों ने बेनकाब कर दिया, अनिल धवन दिल्ली से ने सवाल पूछा था और आज भट्टी साहब बेनकाब हो गए। शाजिया इल्मी, इन्होंने आज तक कभी ऐसी पहल नहीं की कि इस स्टेट में इस देश का युवा गुमराह ना हो, आतंकवाद के रास्ते में ना जाए, एक बार भी नहीं, एक इंस्टेंस नहीं बता सकते ये कि कभी किसी को रोका। सनम शाह, यही सवाल आपसे पूछती हूँ, आपने कभी किसी को रोका कि आतंकवाद के रास्ते में मत जाइए, कभी रोका, एक बार भी रोका तो बता दीजिए, दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे। मैंने हजारों रोके, बताना जरूरी थोड़ा होता है, बताना जरूरी होता क्या? नहीं, डर क्यों लगता है? अगर बोलते अगर अच्छा काम किया हो, चलाक हो गए हैं, अगर अच्छा काम किया हो तो बताने में देर नहीं लगती, लेकिन आपको तो ये बात में सूझा है। सनम शाह, मैं 45 सेकंड का समय देती हूँ सनम शाह, आपने कभी भी किसी भी युवा को गलत रास्ते पे जाने से रोका, कभी आर्मी की सुरक्षा दलों की मदद की? सनम शाह, 45 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। मैम, आपके टाइम्स उन्होंने सनम शाह के लिए ट्वीट किया था कि सनम शाह ने कहा है हुर्रियत और पाकिस्तान को जवाब दो। मैडम, मैंने पिछले दिनों में जब मेरे भाई को और उस टीचर को मारा गया, सनम शाह ने कहा था कि इन आतंकवादियों को भी मौत के घाट मारा जाएगा। मेरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, मैं कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा, मैं ये बताता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैडम, मैं आतंकवाद के अगेंस्ट हूँ। मैडम, आपको आपने मुझे स्टडी नहीं किया, आपके टाइम्स उन्होंने ट्वीट किया था, शाजिया इल्मी मेरे साथ उस डिबेट में थे, मैंने कहा था इन आतंकवादियों को सबक सिखाओ, मैंने कहा था आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा। मैडम, मेरी देशभक्ति पर कोई शक करे, और शाजिया जी ने कहा तुम लोग नफरत फैलाने वाले हो, शाजिया जी हम नफरत फैलाने वाले नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले हैं। शाजिया जी जवाब दीजिए, लेक्चर देना तो आता है, लेकिन एक ऐसा मौका नहीं बता सके जब इन्होंने किसी को रोका हो या किसी भी सिक्योरिटी सुरक्षा बल की मदद की। नहीं, अब तो आप बताइए कि आपको सिर्फ इंडियन स्टेट से सवाल क्यों पूछने हैं,
आपने वो बयानात नहीं देखे, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वहां के आपने देखा नहीं जो कह रहे हैं कि क्योंकि जो लेबरर्स हैं वो सुबह से काम पर निकल जाते हैं और सबको इकट्ठा करना नहीं मुमकिन है क्योंकि एप्पल सीजन है, आपने वो सब नहीं देखा? आप ये नहीं देख रहे क्या क्या कोशिशें हो रही हैं? आप सिर्फ इंडियन सेट से सवाल पूछ रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं कहा और आप सीधे सीधे कह रहे हैं ऑल आउट वॉर हो। आप जानते हैं इसके इम्कानात क्या हैं? आप जानते हैं कि ऑल आउट वॉर नहीं हो सकती, उसके भी अपने अलग इक्वेशंस हैं, लेकिन आप जानबूझ के ऐसी बात कह रहे हैं ताकि आप इंडियन स्टेट को टारगेट करें। आपका मतलब क्या है कि सरकार क्या कर रही है? तो आप उस तरह से भी आप सरकार को टारगेट करते हैं। एक बात आज चलाकी नहीं तो और क्या है? और आप बताइए सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक इतना लंबा चौड़ा झूठा नैरेटिव कि क्या ह्यूमन राइट्स की बॉडीज दुनिया भर में क्या कर रही है, जुल्म जो खत्म किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, ह्यूमन राइट्स का इन्होंने आतंकियों से या पाकिस्तान से कभी सवाल नहीं पूछा, पूछा तो भारत और भारत के सुरक्षा बलों से। आज मैं अपना नजरिया अगर बताऊं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि कश्मीर में हालात सुधर रहे थे, वहां टूरिज्म बढ़ रहा था, मैं नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया था और कश्मीर जन्नत बन चुकी थी, लेकिन विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था कश्मीर, आगे बढ़ रहा था भारत। वहां पथराव और स्टोन पेल्टिंग कम हो गया था, वहां आतंकियों पर टारगेट हो रहा था, वहां बात हो रही थी तो सिर्फ तरक्की, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ये आतंकियों को कभी नहीं भा सकता और ना ही उनके आकाओं को। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं लेकिन भारतीय कहने में उन्हें शर्म महसूस होती है, उन्हें हमेशा अपनी सरकार से सवाल रहते हैं, पाकिस्तान से कभी नहीं। पूछना चाहती हूं कि ये लोग डराना चाहते हैं भारत को, डराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यहां कोई ना आए, कोई तरक्की की उम्मीद ना करे। भारत इन इरादों से डरेगा नहीं, ना कभी डरा है ना कभी डरेगा, ना हम माफ करेंगे उस बात के लिए कि हमारे अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतारा गया, हमारे जवानों को गोली का शिकार बनाया गया। ना हम भूले हैं लेकिन ना हम झुकेंगे, हम लड़ेंगे, आंख में आंख डालकर बात करेंगे और सिर उठा रहेगा हर भारत के जवान का, हर भारत के नागरिक का। हम घुटने कभी नहीं टेकेंगे और पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनके लिए कुछ कर गुजरें। यहां कश्मीर में दहशत फैलाने से उनके लोगों का भला नहीं होगा, बस यही बात पाकिस्तान समझ जाए तो देश में अमन चैन रहेगा। बस आज इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन छोटा सा ब्रेक लूंगी और दूसरी तरफ आते हैं एक मध्य प्रदेश की स्टोरी पर, और यह कहानी आपको बताएगी कि कांग्रेस पार्टी औरतों का कितना सम्मान करती है। छोटा सा ब्रेक, लौट कर आते हैं। खबर, मध्य प्रदेश की एक लड़की का आरोप है कि उसके साथ रेप हुआ। रेप के आरोपी कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है, टाइम्स नाउ, नवभारत उसकी आवाज बना है। पिछले 3 दिनों से हम इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। आज इसमें एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें 3 नाम आए हैं। ये तीनों नाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के हैं। ये नाम किस संदर्भ में आए हैं, किसने लिए, उसे हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के सुपुत्र करण मोरवाल की गिरफ्तारी अब एक पहेली बन गई है। जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश की पुलिस के पास, ना ही एमपी कांग्रेस के पास। इस बीच टाइम्स नाउ और भारत के पास एक ऑडियो है जिसे पीड़ित लड़की की तरफ से जारी किया गया है। इस ऑडियो टेप में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक खुद पीड़ित लड़की है और दूसरी तरफ से आवाज आ रही है विवेक तनखा की।
वही विवेक तनखा जो जाने माने वकील हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी हैं, हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी सच्चाई सबको पता है और मैं बहुत ताकत से लड़ रही हूँ सिर्फ मेरी इज्जत के लिए। बहुत सहाय मैंने 6-7 मंथ से मैं सह रही हूँ और इवन अभी उनकी हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है और अच्छा ऑर्डर हुआ है उसमें 12 पन्नों का। इवन मेरे पास सारे एविडेंस है और सुप्रीम मेरे पास खाली दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का फोन आया था जी, मैं जो बट अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आए। ओके तो सर सर दिग्विजय सिंह जी और इन लोगों ने कहा था आपको इस केस को लेने के लिए? हाँ, उनका उन लोगों का फोन आया था। तो सर ये गलत है ना, मैं भी तो पार्टी की वर्कर हूँ और आज ऐसा... मैं नहीं जानता, मैं तो सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। अब हमको फोन तो कोई भी कर सकता है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके सामने किसी और को खड़ा करूँ, बिकॉज आई एम नॉर्मल गर्ल। उसके बाद वो आई नहीं, उसके बाद आई नहीं। ओके जी, तो सर प्लीज देखिएगा। पीड़िता का कहना है कि किसी जानकारी के आधार पर उसने विवेक तनखा को कॉल किया। टेप में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का जिक्र है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन नामों के सामने आने के बाद से अब मामला थोड़ा सियासी हो चला है। पीड़ित लड़की बार बार गुहार लगा रही है कि करण मोरवाल को गिरफ्तार किया जाए, उसकी तलाशी की जाए, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस करण तक पहुंच नहीं पा रही है। आपने देखा कि किस तरह लड़की मांग रही है इंसाफ, लेकिन कांग्रेस के विधायक का बेटा है, नदारद है, किसी को कुछ पता नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह संखला, कांग्रेस के लीडर हैं। और संखला साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो ऐसी पार्टी है और प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमेशा औरतों के इश्यूज को बहुत नज़दीक से लेती हैं, हाथरस का इशू दुनिया भूली नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस विधायक के बेटे के ऊपर चार्ज हो रेप का, तो सारे नेता फोन करते हैं कि भाई लड़की का केस मत लो, लड़के का केस ले लो। ये कैसी कैसी न्याय प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, संखला साहब? पहली तो बात आपको ये बतला दूं, आपने खुद ने कहा कि हम इस ऑडियो टेप को की विश्वसनीयता पर हम विश्वास नहीं करते हैं, सही है या गलत। जब आप खुद इस ऑडियो टेप को ये कह रहे हैं, आपका चैनल कह रहा है कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी पर विश्वास नहीं करते, तो इसके ऊपर विश्वास करके कोई तथ्य देना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। हमने सवाल पूछा था विवेक तनखा जी से, उन्होंने कहा मुझे कोई भी फोन कर सकते, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनकी बातचीत इस लड़की से हुई थी, उन्होंने डिनाई नहीं किया। विक्टिम वो भी कांग्रेस की वर्कर है, यहां तो आप कह दीजिए कि कांग्रेस की वर्कर भी झूठ बोल रही है, जो लड़की विक्टिम है इस केस में, आप कह दीजिए कि वो झूठ बोल रही है, उन्होंने ही ये टेप जारी किया है। मैं कैसे कह दूं, जब आप, मैं तो फॉरेंसिक लैब हूं नहीं, आपने ऑडियो टेप जारी किया और आप ही कह रहे हो उसकी विश्वसनीयता पर हम सवाल खड़ा करते हैं, हम इस पे कंफर्मेशन नहीं देते। कांग्रेस की मेंबर है तनखा साहब, तनखा साहब उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सवाल संखला साहब इतना पूछना चाहती हूं कि अगर फिर मैं इस पे जवाब देता हूं, अगर आपकी पार्टी में ऐसा कुछ हुआ है तो क्या आपकी पार्टी को इस पर तहकीकात नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। पहली बात तो पार्टी तहकीकात की तो बाद की बात है, सबसे पहले तो वहां जो सरकार है और वो पुलिस है उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो पुलिस ने तो पोस्टर निकाल दिया है, लेकिन विधायक जी का बेटा नदारद है और कहते हैं नेपाल चला गया, पार्टी नहीं कहेगी विधायक जी को कि अपने बेटे को वापस बुलाओ, क्योंकि ये कांग्रेस की वर्कर का पूरा मामला है। मैं ये कह रहा हूँ नदारद है तो उसको पुलिस की कार्रवाई है, खोजा जाए उसको उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए, अगर वो इस घटना के अंदर लिप्त है तो। इस घटना को कांग्रेस पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करती, इसको तो कांग्रेस नहीं करेगी तहकीकात, कांग्रेस नहीं डालेगी प्रेशर अपने ही विधायक पर कि अपने बेटे को कानून के हवाले करे, लेकिन कांग्रेस कहती है पुलिस का मामला है और पुलिस देखेगी, मध्य प्रदेश की सरकार देखेगी। पीड़िता भाई, पीड़िता अगर कांग्रेस की हो तो क्या जरूरत है कांग्रेस के नेताओं को जाने की और प्रोटेस्ट करने की? वो तो सिर्फ जब भाजपा की सरकार होती है तभी होते हैं प्रोटेस्ट।
क्या यही इंसाफ है? सवाल पूछते हैं हम टाइम्स नाउ नवभारत पर। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, पर जाइएगा मत क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज की पाठशाला।